गोगादगी गीता का हमारा ये सत्र लगातार चल रहा है और अब इस सेशन में हम बात करेंगे गाय और आस्था। दरअसल ये कोई सवाल नहीं, एक भाव है गाय के प्रति, जो एक एक भाव है देश के एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका, माता की तरह वो मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन आज के दौर में इस भाव पर कुछ सवाल उठने लगे हैं, तो इन तमाम विषयों पर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे साथ जो पैनल में तमाम जो मेहमान हैं उनसे भी कि कितना महत्व जो है वो गाय का हमारे जीवन में है। तो सर, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस पैनल में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आनंद शर्मा जी से जानना चाहूँगा, जो एक भाव है कि गाय हमारी माता है और हम पूजते हैं, हम मानते हैं, और ना केवल एक भाव के साथ, एक श्रद्धा के साथ, बल्कि जो गाय से जो जुड़ी हुई बाकी जो चीजें हैं उसका भी एक बड़ा लाभ जो है वो मिलता है। मैं सबसे पहले तो इंडियन न्यूज हरियाणा का तहे दिल ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुझे मौका दिया इस मंच पे बैठने के लिए, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक गौ या गाय आप कहेंगे तो हम लोग भारतीय परंपरा के अनुसार इसको गाय ना कह के गौ माता कहते हैं। गौ माता कहने के लिए आज जो हमारे पास, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनका दूध लेते हैं या वो एक हम लोग उनको अपने हर एक परिवार का अंग मानते हैं, लेकिन अगर हम अपने शास्त्रों में भी देखें तो आज हम कुरुक्षेत्र की पावन धरती पे बैठे हुए हैं, तो आज भगवत गीता में भी दो बार श्री कृष्ण ने खुद गौ माता का जिक्र किया है। अगर हम अधर देव में पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत बार इनका जो जिक्र आया है। मैं इसको गाय को गाय ना कह के अपने परिवार का अंग मानता हूँ, इसलिए कि मैं भी खुद बचपन से एक जो गांव के प्रवेश से आया हूँ, तो हम लोग उस श्रेणी को बिलोंग करते हैं। जब हमारे यहाँ पर सुबह सुबह चूल्हा चौका जब होता था तो हमारी माँ सबसे पहले गाय के गोबर का लेपन किया करते थे। उसका रीजन और कुछ नहीं था, लेकिन गाय के गोबर में इतने ज्यादा औषधीय गुण हैं, इतने ज्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरियाज हैं, इतने ज्यादा उसमें बेनिफिशियल फंगस हैं कि वो हमारे जो जो रोजाना जिससे हम कुछ जिन बीमारियों से हम लोग अपने आप को या जो बीमारियां हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो वो वहीं से ही सबसे पहले शुरुआत वहीं से हो जाती है कि जब गोबर के लेपन से वो जो कीड़े जो वेक्टर्स हैं जो कैरियर्स हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये एक हमने खुद नहीं सीखा। मैं तो इसको एग्रीकल्चर में उल्टा लेता हूँ और गाय के लिए एक और चीज मेरे को सबसे जो ज्यादा अच्छी लगती कि आज अगर हम पूरे बाहर के मुल्कों में देखें, आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि वहां पर कौ टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कौ टूरिज्म क्या है कि सुबह सुबह जो जिसको भी मानसिक रोग है अगर वो गाय के ऊपर 5-6 बार हाथ फेर देते हैं तो उनकी बहुत सी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। एंड इट इसको प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कौ टूरिज्म की वजह से। आज हम वास्तु शास्त्र की सवाल से, आनंद जी यही एक बड़ा गंभीर सवाल भी है कि एक भाव तो है जो गाय के लिए, गौ माता के लिए, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं जी, तो जो एक तिरस्कार भी है वो लगातार देखने को मिलता है। वो किस तरह का तिरस्कार है कि आप छोड़ देते हैं खुला, बाहर हम देखते हैं कि वही हमारी गौ माता जिसे हम पूजते हैं, वही जो भाव है श्रद्धा का, वो फिर वहाँ पॉलिथीन खा रही हैं, वो कचरा वहाँ पर खा रही है। मदन मोहन छाबड़ा जी, आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि कहाँ ये खामी हम मानते हैं कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डेज की हम बात करें तो वहाँ तो हम माता का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हम जो है एक तिरस्कार भी कर रहे हैं। सदियों से गाय सारी इकोनॉमी का केंद्र रही। अगर आप देखें गांव के अंदर, जब पुराना समय था, आज से अगर हम 40-50 साल पहले की बात करें तो गाय सारी खेती का केंद्र होता था, क्योंकि गाय का बछड़ा अगर हुआ तो वो बैल बनेगा और वो खेती के अंदर सहयोग करेगा, और अगर बछिया हुई तो वो गाय बनेगी, दूध देगी। दोनों ही केस के अंदर वो किसान की इकोनॉमी को, गांव की इकोनॉमी को चला। ये जो इकोनॉमी थी ये बहुत बड़ी थी। जब मशीन का युग आया, जब किसानों के पास ट्रैक्टर आने शुरू हुए,
तो गाय का इस्तेमाल सिर्फ दूध देने के लिए होना चाहिए। और एक अनफॉर्चुनेट स्थिति रही आजादी के बाद, हमने भैंस के ऊपर ध्यान दिया, उसके संवर्धन के ऊपर काम किया, लेकिन गाय के संवर्धन पे हमने काम नहीं। तो यही एक वजह है कि हम कहीं ना कहीं नहीं, ये कार की तरफ भी जाते हैं, वन ऑफ द रीजन, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आप ये देखिए ना कि श्रद्धा कितनी बड़ी है इस देश के अंदर कि गाय को कामधेनु माना गया। और कामधेनु सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका नाम रख दिया गया, गाय की हर चीज यूजफुल है, उसका जो वेस्ट, जो गोबर जिसे हम कहते हैं, जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि अगर उसका लेप करते हैं तो कीटाणु घर के अंदर नहीं आते, आपके घर में मच्छर नहीं आते। ऐसे ही अगर उसका मूत्र लेते हैं तो मूत्र से आप अपनी जितनी भी जैविक दवाइयां हैं पौधों पे छिड़कने से लेके ह्यूमंस के लिए कैंसर की मेडिसिन के लेके, ये सब गाय के मूत्र से बनती है। इसके साथ साथ अगर आप दूध लेते हैं, उसका धृत लेते हैं, उसका घी लेते हैं, अगर गाय A2 जो मिल्क है उससे जो दही या उससे जो अपना घी बनेगा, वो घी कैंसर के अंदर काम आएगा, उसकी मेडिसिन्स बनेंगी। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये प्रूवन फैक्ट है। नहीं, जाहिर सी बात है, बड़े लाभ है, लेकिन एक एक सवाल मैं अशोक अरोड़ा जी से भी ले लेता हूँ। सर, गाय है, गौ माता है, वो भाव श्रद्धा सभी हिंदुओं की गौ माता के प्रति है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी गौ माता को लेकर राजनीति भी शुरू हो जाती है। अगर बीजेपी बढ़ावा दे रही है गाय के लिए, ज्यादा से ज्यादा अगर गौशालाएं बनाई जा रही है, जो गाय का गोबर है उसके जो फायदे लाभ हैं उसकी बात होती है, गोमूत्र की बात होती है कि उसके लाभ क्या है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि कांग्रेस जो है वो वहां पर एक राजनीति वाली बात हो जाती है कि नहीं, यहां तो आप जो है एक हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों ऐसा, आखिरकार क्यों? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को आज, क्योंकि सम्मत है नव वर्ष है, सबको नवरात्रों की और नव वर्ष की बधाई देता हूँ, और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ कि भगवान कृष्ण की कर्म भूमि गीता की जन्म भूमि में आपने गौ गीता गायत्री का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। और जहाँ तक गौ के ऊपर आस्था की बात, देखिए गौ को सदियों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, विश्व के अंदर जो हम लोग रहते हैं, हमने हमेशा माँ का दर्शन, गौ के प्रति एक श्रद्धा है, आस्था है। और ये भी माना गया है कि गौ के अंदर सभी देवी देवताओं का वास है, जैसे बताया गया गौ का गोबर, जो भी शुभ काम करते थे गौ के गोबर से लेप करके वहां से उसकी शुरुआत हुआ करती है। और आज मुझे लगता है कि आस्था पे स्वार्थ भारी है, लेकिन सवाल भी भारी किए जा रहे हैं आस्था के ऊपर। आपके सवाल के जवाब पे आ रहा हूँ मैं, आस्था के ऊपर स्वार्थ भारी हो गया। आज सोच इस प्रकार की हो गई है कि किस प्रकार से पैसा कमाया जाए। नहीं तो पहले आप किसी गांव जो बसते थे, गांव बसने के साथ साथ जहाँ लोगों के बसाने का प्रोग्राम हुआ करता था, वहां गौ चराने की जगह भी छोड़ी जाती थी ताकि गौओं को वहां पर रखा जाए। आज जो दूध देने वाली गौ है उसको रख लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। किस प्रकार आज सड़कों के ऊपर बेसहारा पशु है हमारे, वो किस प्रकार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पॉलीथिन खा के, हमें दुख होता है कि पॉलीथिन खा के मर रही है। आपके कुरुक्षेत्र के अंदर ही 100 से ज्यादा गौवे हमारे मथाना गौशाला के, उसमें जो टिकट था उसमें दस्ती और खाना ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। जहां तक आप राजनीति की बात करते हैं, देखिए गौ के मामले में जो राजनीति करता है मैं उसको अच्छा नहीं करता, ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति है। हमें जहां से कुछ भी प्राप्त होता है हम उसको माँ कहते हैं, हमें नदियों से जल प्राप्त होता है उसे भी माँ कहते हैं, हमें धरती से अन्न पैदा मिलता है उसे भी हम माँ कहते हैं। परंतु मैं एक बात कहूंगा, सरकार को अब इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पहले जिस प्रकार से चावड़ा जी कह रहे थे आर्थिक तौर पे भी रखा जाता था बछड़े को भी बछड़ी को, परंतु अब देखा गया है कि जो दूध देने वाली गाय है उनको तो गौशालाओं के अंदर भी कलबिनोड़ा भी खुवा देते हैं, परंतु जो दूसरी है उनको बाहर छोड़ देते हैं। उसका कारण है आज समाज सेवी, आज गौ भक्त वहां पर उनकी अच्छी सेवा करते हैं, परंतु इतना साधन उनके पास नहीं है कि वो कर पाए।
सरकार को चाहिए, एक सेकंड, सरकार को चाहिए, मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज से लगभग 15 साल पहले एक जनहित याचिका डली थी माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उन्होंने कहा था कि बेसहारा गांवों के लिए सरकार चारे का इंतजाम करे। माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि सरकार अगर देना चाहे तो 15 रुपए पर गौ पर दे, चारे के रूप में दे दें। हम आपने राजनीति की बात करी कि ये कहते हैं हिंदू की बात, चलो मान लिया जाता है कि वो तो गौ विरोधी बात करा करते थे, आज तो गौ समर्थक वो सरकार है। तो आज पता कितने पैसे मिलते हैं गौ को एक गौशाला में? 70 पैसे। मैडम मोहन जी देखिए ये भी एक बड़ा सवाल है, मैं इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। शुक्रिया जी। पैसे एक गौ को गौशाला में एक गौ के दिन के चारे के लिए मिलते हैं तो कैसे आप मान सकते? मैडम मोहन जी ये बड़ा सवाल भी है कि पालन पोषण और जो भाव, क्योंकि हम उसी पर उसी की बात कर रहे हैं कि भाव तो है लेकिन उसके बीच तिरस्कार भी कहीं ना कहीं दिखता है। और बहुत सारी ऐसी डेयरी भी है, ना केवल गौशालाओं की बात नहीं करेंगे कि जहाँ पर जो गाय दूध देती है उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बाकी नहीं दे रही है उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो जो एक आर्थिक वाला जो एक ये जुड़ता है एलिमेंट, ये इस पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट डेयरी भी है जो सुबह के वक्त गायों का दूध निकालने के बाद उन्हें आवारा छोड़ देते हैं और शाम के वक्त उन्हें वापस फिर घेर घोट कर लाते हैं, वापस लाया जाता है डेयरी पर कि फिर से दूध निकाला जाए, यानी कि खाना वो सड़कों पर जाकर खाए, अपनी खुद की व्यवस्थाएं करें। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है या ऐसे लोगों पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल अंकुश लगाने की जरूरत है जी। और ऐसे लोगों का जो काओ टैगिंग का एक जो काम था वो पीछे गवर्नमेंट ने किया था, उसके अंदर हर गाय के ऊपर टैगिंग करके उसका वो कौन मालिक है, कौन ओनर है, इस तरह का एक प्रयास शुरू हुआ था और मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। लेकिन जितनी गायें जो हैं उन्हें गौशालाओं में भेजा जाता है, उन्हें गोवा अभयारण्य के अंदर ले जाया जाता है, उससे ज़्यादा जो है वो वापस आ जाती है। क्योंकि टैगिंग से ये बात आई थी ध्यान के अंदर कि ये नई गायें बहुत सारी थी इसके अंदर, जो पुरानी थी। जैसे समाज जो है बहुत बड़ी व्यवस्था करता है, जितने धार्मिक संस्थान हैं, जितने सामाजिक संस्थान हैं, वो लोग बढ़ चढ़कर गायें के संरक्षण के अंदर, गौशालाओं के अंदर बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। पूज्य महाराज जी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के संरक्षण के अंदर लगभग 5,000 से ज़्यादा गायें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है डायरेक्ट, और 10,000 गायें उनकी प्रेरणा से जो है पूरे हरियाणा के अंदर गौशालाओं में हैं। इस तरीके से और बहुत सारे संस्थाएँ हैं जो गौशालाएँ चलाती हैं, संरक्षण करती हैं। समाज अपना स्वरूप अपने तरीके से निर्धारित करता है और उनकी देखभाल करता है। लेकिन जो ये है, ये गाँव से जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि गाँव के अंदर जैसे ही दूध देना बंद करती हैं गायें तो वो उन्हें शहर में छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो गाँव में छोड़ते हैं तो वो फसल ख़राब करती है। अगर आप देखेंगे तो रात्रि के समय यहाँ पर वो ब्रह्म सरोवर के आसपास अन्य खुले स्थानों के ऊपर गायें को छोड़ जाते हैं, वो फिर वो शहरों की तरफ गाय निकल जाती है, या और शहरों के अंदर भी इसी तरह की परेशानी है। इसका हल जल्दी ही मुझे लगता है सरकार करने जा रही है। हमने भी अभी पीछे विश्व हिंदू परिषद के एक संपर्क अभियान के दौरान अपने जितने MLS थे उनसे संपर्क करके गायें के बारे में ये प्रश्न जो है विधानसभा में उठाने का भी हमने निवेदन किया सब लोगों से। उसके अंदर हमने 2 सुझाव दिए, जिसके अंदर की गोचरान की जो भूमि है गांव के अंदर उसमें से कुछ भूमि जरूर 10-10, 20%, 50% या सारी भूमि छुड़वाकर और गौ के लिए जो है उनका संरक्षण के लिए उस जमीन को दिया जाए। क्योंकि जैसे अभी अरोड़ा जी ने कहा कि गाँव के अंदर तो व्यवस्था पहले से ही की गई है गाँव को, कि जब हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर उनके लिए जगह दे दी गई तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। सेकंड जो था कि जो कुछ ज़मीनें बड़ी बड़ी खाली पड़ी हैं, चाहे वो इरीगेशन डिपार्टमेंट की है, चाहे जो है वो फॉरेस्ट से हैं या रेवेन्यू में किसी और डिपार्टमेंट की है, वहाँ हम गो अभ्यारण्य की तरह से कुछ चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हम 100 एकड़, 50 एकड़ जगह को अगर एक जिले के अंदर हम उसकी 4 दीवारी करके या उसकी बारबेड वायर बना के उसके अंदर गायें को खुला छोड़ दें और उसकी व्यवस्था इस तरीके से करें जैसे कि 20-20 एकड़ के अंदर हम कुछ चारा बो दें, कुछ कर दें और फिर उस 20-20 एकड़ में ट्रांसफर करते हैं। एक बार एक सवाल आनंद जी से भी ले लेता हूँ। आनंद जी, यानी कि जो एक निचोड़ निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं, ये मानकर चले कि एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जो एक लाभ है, चाहे फिर दूध है, गोमूत्र है या बाकी अलग अलग तरहों से,
ये कारण भी रहा है कि हम माँ की तरह पूछते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जो गाय को आज आप अगर आप देखेंगे तो मैं तो इसको कहूंगा कि गाय के दूध का ही प्रयोग नहीं, गाय के मूत्र का ही प्रयोग नहीं, लेकिन गाय का जो गोबर है, इट इज बेसिकली जिसको कहते हैं हम लोग, इसको वेस्ट टू गोल्ड को टर्न करने की स्ट्रेटजी चाहिए। और इसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि आज हम अगर भारतवर्ष में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व भर में इसको हम लेके जा सकते हैं एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की तरह। आज उसी गौ के गोबर से हम लोग पेंट बना सकते हैं, उसी गौ के गोबर से हम लोग एक अगरबत्ती बना सकते हैं, उसी गौ के गोबर से हम लकड़ी बना सकते हैं जो कि ना सिर्फ पूजा के लिए काम आएगी बल्कि इवन अंतिम संस्कार में भी लोग उसी को हिंदू धर्म के अनुसार इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा मानते हैं। और खास करके जो गाय के गोबर में जो औषधीय गुण है, जो कीटाणु और जो जैसे छड़ा सब कह रहे थे उसको में जब आप पिट्स में भर के हम उसकी खाद बनाते हैं, खाद से पहले हम उसकी गैस जो है हम घरेलू उपयोग के लिए यूज करते हैं, तो उस खाद में हर तरह के तत्व हैं जो हमारे कृषि में हमारे खेतों में उपज बढ़ाने के काम आ सकते हैं। तो हम लोग इट इज बेसिकली टर्निंग वेस्ट इनटू गोल्ड। तो गाय से इतना ज्यादा हम उपयोग में ला सकते हैं कि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि अगर वैसे तो मेरा जो अपना निजी अपना एक्सपीरियंस है काफी कुछ हरियाणा सरकार की तरफ से मेरा 2-3 गौशालों में जाने का हुआ, तो वहां पर काफी लोग उसमें शोध में भी लगे हुए हैं और काफी इसके बारे में एक लोगों को समझाया जा रहा है। खास करके मेरा पिंजौर की कामधेनु गौशाला में मैंने देखा है कि वहां पर काफी ज्यादा लोगों में रुचि भी है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट किया जा रहा है। आज क्या है कि आज हम सब में एक जिसको कहते हैं कि हमें जानकारी का अभाव है। आज वही चीज जो हमारे 50 साल पहले हमें गौ के गुणों के बारे में हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, आज हम उसको साइंटिफिकली आज हम उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरा वर्ल्ड हमारे ही शास्त्रों में से इसी गौ के गोबर से या इसके मूत्र से या इसके दूध के गुणों के कारण आज पूरे वर्ल्ड में वो अपने पेटेंटेड प्रोडक्ट्स करवा के बेच रहे हैं। तो उसी चीज को अगर हम अपने भारत में भी आज जो सभी को जागरूकता अभियान के माध्यम से अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि जो गौ आज खेतों पे अपने बाहर घूमती है, आज हम सिर्फ दूध के लिए नहीं, अगर हम उसके सिर्फ गोबर से भी अगर हम कुछ उसको हम यूज करना चाहें तो मेरे ख्याल में इट्स ए वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ये भी एक बड़ा सवाल है, देखिए राजनीति और उससे हटकर बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं गौ माता की, माँ का जो दर्जा हम देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यानी कि सामाजिक तौर पर भी समाज में भी एक बड़े बदलाव की जरूरत है। लोग जुड़ रहे हैं, विशेष जो दिन है तब पूजा भी की जाती है, फायदे जो है घी की बात करें दूध की बात करें जो फायदे हैं उसका लाभ भी लिया जाता है, लेकिन बार बार वही सवाल आन खड़ा होता है कि जब फायदा नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक लालच है सामाजिक तौर पर हमारे अंदर, वो भी हमें हमारी माता से हमारी माँ से वो दूर कर रहा है। मैंने पहले कहा था कि आस्था के ऊपर स्वार्थ भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि गौशालाओं के अंदर गौ, जैसे शर्मा जी ने कहा, गौशाला में जो समाज सेवी हैं, दानी लोग हैं, वो कर रहे हैं, परंतु हमारे यहाँ गौ सेवा आयोग भी बने, परंतु गौ सेवा आयोग के पास भी ये आंकड़े नहीं है कि गौशाला के अंदर कितनी गौएं हैं, कितनी बीमार हैं, कितनी दूध देने वाली हैं। तो जब तक ये सारे आंकड़े नहीं हों और जब तक हम गौ को आस्था के रूप में नहीं लेंगे, ठीक है कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से, मैं चाहता हूँ कि आर्थिक रूप हो, आप उसका इस्तेमाल, अपना गोबर का इस्तेमाल भी हो, दूध का भी हो, गौमूत्र का भी, परंतु जो सवाल है आस्था का, पहले अगर आस्था के प्रति हम जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें गौ की रक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज बात करी थी विधानसभा में आया था एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था कि जो बेसहारा पशु हैं वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनका इंतजाम सरकार करे। सरकार का की तरफ से एक बोल रहे थे साथी, जो कह रहे थे कि शहरों के अंदर जो घरों में गऊ रखते हैं, जो सेक्टरों में रखते हैं, उन गऊओं को वहां से निकाल देना चाहिए, वहां से गंदगी होती है। कुत्ते पाल लो तो कोई गंदगी नहीं, अरे जिसको माँ कहते हैं उसको आज भी, परंतु क्योंकि संस्कृति बदल गई है, क्योंकि माँ को भी अब तो वृद्धाश्रम में भेजने लग गए, जब उसके पास से हमें कुछ नहीं प्राप्त होता उसे भी,
तो मेरा कहने का मतलब है कि आस्था पे स्वार्थ भारी हो चुका है और उसके लिए जरूरी है कि हमें आर्थिक रूप से गौशालाओं को मजबूत करे। सरकार अपने खर्चे घटा के गौओं की रक्षा के लिए, उनकी दवाई के लिए, उनके खाने के लिए अगर प्रबंध दानी सज्जनों के साथ साथ अगर सरकार करेगी तो मेरा मानना है निश्चित रूप से ये बदलाव आएगा। हम आस्था के प्रति जागरूक होंगे और हम आर्थिक रूप से भी गौशालाएं मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से वहां सेवा भी बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि स्थिति ये हो गई है कि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, यानी कि एक ऐसे बिगड़ेल बेटे की तरह या बच्चे की कहिए, अगर उसके लिए उसके माँ बाप कुछ कर रहे हैं, पॉकेट मनी अच्छी दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देंगे या सड़क पर छोड़ देंगे। मदन मोहन जी, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है नहीं जो हमारी इस आस्था, हमारी इस माँ के बारे में वहाँ एक डिटेल में शुरुआत से ही बताया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि जो जो शुरुआत से ही जो विकास होता है, जो एक सोच डेवलप होती है, वो शुरुआत से ही उस आस्था, उस भाव के साथ बने। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी जरूरत है आज के समाज की। और आपका चैनल आज जो ये एक जागरूकता अभियान आपने चलाया है, ये बहुत साधुवाद है आपको। इस तरह के माध्यम जो है ये बड़े ही सशक्त माध्यम है, इस तरह की डिबेट्स बड़ी ही सशक्त है। लेकिन बच्चों के अंदर पहले दिन से ये भाव, ये तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है कि हम बच्चे को शुरू के अंदर ही गौ को माता बोलना सिखाते हैं, तो वो भाव कहीं ना कहीं है। लेकिन उसके लाभ क्या हैं, ये सिर्फ कोरी हमारी कल्पना नहीं है या सिर्फ ये विश्वास नहीं है, पूरी इकोनॉमिक्स है। अगर आज भी हम गौशालाएं हैं, अगर कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से स्वावलंबी हैं, सिर्फ अपना खर्च ही नहीं, वो प्रॉफिटेबल हैं। अगर आप लाडवा गौशाला की बात करें हिसार के अंदर, तो वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि दूध देना जरूरी नहीं है गायें को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, अगर हमें उसके मूत्र को, उसके गोबर को अगर हमें यूज़ करना आता है तो वो भी मोर देन सफिशेंट है। और एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरीके से हमने इतनी बड़ी खाद डाल डाल के अपनी भूमि को बंजर बनाने की कगार पे ले आए हम लोग, उसका अगर कोई हल है तो वो गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से है। चलिए, तो ये हम लोग सभी जानते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आस्था तो है लेकिन सिर्फ कुछ विशेष दिनों के लिए है, आर्थिक फायदा हम चाहते हैं, जब वो आर्थिक फायदा नहीं मिलता है तो हम तिरस्कार करते हैं, छोड़ देते हैं सड़कों पर लावारिस घूमने के लिए। तो ये बदलाव जब तक समाज में नहीं आएगा, इस सोच में नहीं आएगा, तब तक जो माँ के प्रति जो एक मान, एक सम्मान होना चाहिए, वो गौ को नहीं मिल पाएगा। फिलहाल इस सत्र में इतना ही, आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।